Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ मैं जिस विषय पर आज बात करूँगी उस विषय का नाम है प्रबंधन प्रक्रिया और संगठनात्मक व्यवहार यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर व्याख्यान क्रम संख्या सात में हम जिस पर बात करने वाले हैं वह है नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग नियुक्तिकरण प्रबंधन कार्यों का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है अभी तक हम बात कर चुके हैं कि क्या प्लानिंग हमें करनी है क्या ऑर्गेनाइजिंग करनी है हमें कौन से पद रखने हैं हमें कौन सी संरचना बनानी है हमें किस तरीके से प्राधिकरण का प्रत्यायोजन करना है इन सब पर हम बात कर चुके हैं अब बात आती है कि हमें यह देखना है कि जो पद हमने बनाए हैं जो संरचना हमने बनाई है संगठन की जिन संबंधों की बात हम कर रहे हैं जिस प्रत्यायोजन की बात कर रहे हैं उन सब के लिए जरूरी है इंसान यानी कि एम्प्लॉय जब हम एम्प्लॉय की बात करते हैं या इंडिविजुअल्स की बात करते हैं या पर्सन की बात करते हैं तब आता है मैनेजमेंट फंक्शन यानी कि प्रबंधन का कार्य स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण तो चलिए देखते हैं कि इस सत्र में इस व्याख्यान में हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे और इसके अंत तक आप किस चीज में सक्षम हो पाएंगे हम इसमें बात करने वाले हैं स्टाफिंग की अवधारणा की और इसके साथ साथ व्यापार जगत में इसकी क्या प्रासंगिकता है क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है इसके अलावा हम बात करने वाले हैं इसके महत्व की और कैसे कारोबारी माहौल में इसका जुड़ाव है इसके अलावा हम इसके विभिन्न तत्वों की भी बात करेंगे जिससे स्टाफिंग फंक्शन बनता है क्योंकि स्टाफिंग सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉज को रखना नहीं है यह है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिस पर हम आगे के लेक्चर में बात करने वाले हैं तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग से अभिप्राय एक कुशल व योग्य व्यक्ति को भर्ती करना है इसमें मानव संसाधन प्रबंध भर्ती प्रशिक्षण विकास अतिपूर्ति एवं रख रक रखाव समाहित होता है जैसा कि मैंने कहा कि स्टाफिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को कंपनी के लिए चयन करके लाना नहीं है इसके अलावा हमें यह भी सोचना है कि जिसको हम अपने संगठन में ला रहे हैं उसका विकास कैसे होगा उसको कौन सा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए हमें कितने लोग चाहिए होंगे हमें किस जगह पर चाहिए होंगे तो इन सब चीजों का इन सब चीजों को जोड़कर जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्टाफिंग फंक्शन की योग्य कुशल कर्मचारी की नियुक्तिकरण किसी भी संगठन की सबसे मूल्यवान पूंजी है अब आप कहेंगे मूल्यवान पूंजी यही क्यों है तो सोचिए एक बार बहुत सारी संगठन हमारे सामने हैं जिसमें उनके पास हर वो संसाधन था जिससे वो एक अच्छी संस्था एक अच्छा संगठन बना सकते थे लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाए और कहीं ना कहीं उसका दोष जाता है कि उनके पास अच्छे लोग नहीं थे अच्छे एम्प्लॉयज नहीं थे तो इसलिए जब हम बात करते हैं स्टाफिंग की तो स्टाफिंग फंक्शन किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो कुछ स्टाफिंग की मूल बातें हैं जिनको हम अनदेखा नहीं कर सकते जैसे कि स्टाफिंग फंक्शन जो होता है वह व्यक्ति उन्मुख होता है यानी कि पीपल ओरिएंटेड जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं कोई रूल बनाते हैं कोई रेगुलेशन बनाते हैं तो हमें यह सोच के बनाना चाहिए कि वह रूल वह रेगुलेशन किस तरीके से हमारे संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को इम्पैक्ट करेगी या क्या प्रभाव डालेगी उन पर तो इसका मतलब यही होता है कि जो स्टाफिंग फंक्शन है जब हम जो भी चीजें सोच रहे हैं कि उनकी क्या सैलरी होनी चाहिए उनको कितना वेतन दिया जाना चाहिए उनको कौन सा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तो यह सिर्फ कंपनी की तरफ से या संगठन की तरफ से सोचकर नहीं हमें यह भी सोचना चाहिए अपने कर्मचारियों की तरफ से तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन जो होता है वह व्यक्ति उन्मुख है यानी कि पीपल ओरिएंटेड है और सिर्फ पीपल ओरिएंटेड नहीं कहूंगी मैं ऐसे मैं ऐसे और कहूंगी डेवलपमेंट ओरिएंटेड अब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यानी कि विकासोन्मुखी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है आपके खुद के कर्मचारियों का अगर आपके कर्मचारी आगे विकास नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी कंपनी आपकी संस्था आगे विकास नहीं कर पाएगी तो स्टाफिंग फंक्शन जो होता है वह हमें कहीं ना कहीं इस चीज पर मजबूर करता है कि किस तरीके से हम अपने कर्मचारियों को हर दिन विकास की तरफ लेके जाए हम क्या क्या चीजें या क्या क्या स्किल्स क्या एबिलिटीज का प्रशिक्षण अपने कर्मचारियों को दें कि वह विकास की ओर बढ़े और, और अपनी संस्था को भी विकास की ओर लेके जाए तो इसलिए हम स्टाफिंग फंक्शन को दोनों ही चीज मानते हैं व्यक्ति उन्मुख भी और विकास उन्मुख भी इसके अलावा जब हम स्टाफिंग फंक्शन की बात करते हैं तो वह है व्यापक और सतत होता है यानी कि परवेसिव और कंटिन्यूस जब हम व्यापक की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग से जब हम बारी बात होती है तो माना जाता है कि स्टाफिंग फंक्शन व्यापक मतलब हर जगह है हर जगह का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि हम यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि जब हम स्टाफिंग फंक्शन या नियुक्तिकरण के कार्य की बात करते हैं तो ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि हर प्रबंधन के स्तर पर है चाहे आप लोअर लेवल मैनेजर उठाइए पर्यवेक्षक की बात करिए पर्यवेक्षण की बात करिए आप या फिर मध्य स्तरीय प्रबंधक की बात करिए आप उच्च स्तरीय प्रबंधक की बात करिए हर जगह है स्टाफिंग फंक्शन और हर जगह के साथ साथ ये कंटिन्यूस है इसका मतलब सतत है कंटिन्यूस ये चलता रहता है ऐसा नहीं है कि आज हमने कंपनी का उद्घाटन किया है तो आज ही हमें स्टाफिंग फंक्शन की ज़रूरत थी क्योंकि हमने को लो, लोगों की नियुक्ति करनी थी नहीं हमें तो कंटिन्यूस उनका देख रख रखा रख रखाव रख, करना पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम उन्हें प्रशिक्षण दें हम कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए जिनसे उनका मोटिवेशन बढ़े जिनसे उनका सैटिस्फैक्शन बढ़े तो इसलिए ये कंटिन्यूस होता है इसके अलावा जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो यह इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि अंत विषय है इंटरडिसिप्लिनरी बोलिए चाहे मल्टीडिसिप्लिनरी बोलिए जब भी हम स्टाफिंग फंक्शन की बात करते हैं और जैसा कि हमने सबसे पहले ही बात करी कि यह पीपल ओरिएंटेड है तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप कैसे बढ़ोगे कुछ नॉलेज लेकर तो स्टाफिंग जो है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट एक डिसिप्लिन नहीं होता इसने बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन से ज्ञान अर्जित किया है चाहे वो साइकोलॉजी हो चाहे वो सोशियोलॉजी हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो तब जाकर स्टाफिंग का ज्ञान पूर्ण रूप से बना है आखिरी में मैं एक और बात इस पर बोलना चाहूँगी कि स्टाफिंग जो होता है वह है व्यक्तिगत और समूह अभिविन्यास है यानी कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप ओरिएंटेशन हम इसमें हर तरीके से सोचते हैं हम इसमें ऐसे भी सोचते हैं कि एक व्यक्ति एज एन इंडिविजुअल किस तरीके से कार्य करता है किस तरीके से दक्ष हो सकता है किस तरीके से प्रभावपूर्ण बन सकता है इसके साथ साथ हम इस पर भी जोर देते हैं कि एक अच्छे टीम एक अच्छा समूह ग्रुप कैसे बनाया जाए कैसे हम उस समूह को एक ट्रस्ट में बांध पाए और साथ में उस समूह में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब को साथ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें तो स्टाफिंग फंक्शन इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप ओरिएंटेशन भी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग फंक्शन का महत्व क्या है क्यों हम कह रहे हैं कि यह जो तीसरा चरण होता है प्रबंधक के कार्यों में या प्रबंधन कार्यों में यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो क्यों हम अपने इंसानों को अपने एम्प्लॉइज को जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं कार्यरत हैं कर्मचारियों को क्यों इतना महत्व दे रहे हैं तो मैं ये कहूंगी कि आप चाहे कितनी भी एआई की बात करें कहीं ना कहीं वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया कहां से व्यक्तियों के द्वारा आपके कर्मचारियों के द्वारा तो उनको देखना उनको समझना उनके विकास की बात करना किसी भी संस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तो चलिए इसी ओर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन का क्या महत्व है प्रबंधन में या किसी संगठन के लिए तो सबसे पहली बात तो कि स्टाफिंग फंक्शन के ही द्वारा हमें योग्य कर्मचारी मिल पाते हैं थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी और मैंने कहा था कि बहुत सारे जगहों पर सारे संसाधन हैं हर तरीके का संसाधन है चाहे वो पैसा हो चाहे वो मशीन हो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो लेकिन उस संगठन के पास अच्छे लोग नहीं हैं योग्य लोग नहीं हैं उन लोगों को यह नहीं पता कि कैसे सारे संसाधनों को जोड़कर वो प्रॉफिट कर सकते हैं तो क्या होगा वह कंपनी फेल हो जाएगी लेकिन वहीं पर संसाधन चाहे थोड़े बहुत कम हैं लेकिन आपके पास योग्य कर्मचारी हैं तो वह अपनी सूझबूझ से संगठन को आगे ले ही जाएंगे अपनी दृढ़ निश्चा निश्चित दृढ़ निश्चय से आगे ले ही जाएंगे इसके अलावा जब हम स्टाफिंग फंक्शन की बात करते हैं तो बेहतर निष्पादन होता है एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो जाता है जब आपके पास योग्य लोग होंगे योग्य कर्मचारी होंगे तो अपने आप ही निष्पादन बहुत ही आसान हो जाएगा बहुत ही प्रभावपूर्ण हो जाएगा अगर इसी में हम और बात करें तो स्टाफिंग फंक्शन हमें मदद करता है निरंतर विकास के लिए जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हमारा कार्य है जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो सिर्फ यह नहीं होता कि आपने योग्य कर्मचारी को संगठन में ले आए आपका कार्य यह भी है कि कैसे यह योग्य कर्मचारी योग्य बना रहे कैसे उसका प्रशिक्षण करें किस तरीके की ट्रेनिंग दें जिससे कि वह योग्य बना रहे क्या हम उसको कौन सी फैसिलिटीज़ दे हैं जिससे वह योग्य बना रहे तो निरंतर विकास की बात की जाती है स्टाफिंग फंक्शन में और यही नहीं जब हम बात करते हैं स्टाफिंग की तो मानव संसाधन के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमने पहले व्याख्यान में जब बात करी थी कि मैनेजमेंट क्या है तो हमने दो चीजों पर बात करी थी कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस यानी कि दक्षता पूर्वक कार्य करना और प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करना तो उसी में जब हम बात करते हैं तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब है कि आप दक्ष हैं अपने कार्य में यही नहीं अन्य कार्यों का भी कुशल प्रदर्शन होता है क्योंकि जब आपके पास लोग अच्छे हैं जब आपके पास उनका विकास करने की उम्मीद अच्छी है तो और चीज़ों को भी और संसाधनों को भी आपके लोग साथ में लेके चलते हैं आखिरी में बस मैं यही कहूँगी कि एक अच्छा स्टाफिंग फंक्शन किसी भी संगठन में अपने लोगों का अपने कर्मचारियों का मोरल मोटिवेशन बढ़ा देता है और वही आपका कर्मचारी अगर मोटिवेशन से काम करेगा तो वो बहुत सैटिस्फाई होगा और अगर वो सैटिस्फाई होगा तो वो अपने काम में ज्यादा इंगेज रहेगा और जब वो रहेगा तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के प्रति कमिटेड ज़्यादा रहेगा लॉयल ज्यादा रहेगा तो नियुक्तिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है शायद अब आप समझ ही गए होंगे चलिए अब हम आगे जिस पर बात करने वाले हैं वह है स्टाफिंग के कारक यानी कि फैक्टर्स इंपैक्टिंग स्टाफिंग फंक्शन इनको दो भागों में विभाजित किया गया है पहले तो बाह्य या बाहरी कारक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरा आंतरिक कारक यानी कि इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब होता है कि आपके संगठन का स्टाफिंग फंक्शन किस तरीके से और कैसे बाहरी तत्वों के द्वारा इम्पैक्ट आ रहा है जैसे कि गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट है आपके फंक्शंस पे तो ये सब क्या हुए जो बाहर की चीजें हैं जो कंपनी के बाहर की चीजें हैं बाहर में हो गया आपके गवर्नमेंट हो गए शेयर होल्डर्स हो गए स्टेक होल्डर्स हो गए इन्वेस्टर्स हो गए आपके कस्टमर्स हो गए ये कैसे इंपैक्ट डालते हैं आपके आपकी संस्था के स्टाफिंग फंक्शन पर और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं यानि कि आंतरिक कारक होते हैं जो आपकी कंपनी आपकी संस्था के अंदर के कारक अंदर के फैक्टर जो इंपैक्ट कर रहे हैं जो प्रभाव डाल रहे हैं स्टाफिंग फंक्शन पर तो पहले हम बाहरी कारक की बात करेंगे और बाहरी कारक में हम बात करेंगे आपके प्रतिद्वंदी की कॉम्पिटिटर शायद आप समझ पा रहे होंगे कि कॉम्पिटिटर यानी कि आपका प्रतिद्वंदी भी आपके स्टाफिंग फंक्शन पर इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव डालता है मैं समझाती हूँ उदाहरण देकर आपको आपका प्रतिद्वंदी कुछ अच्छी पॉलिसीज लेकर आया प्रशिक्षण से रिलेटेड और वो अपने एम्प्लॉयज को और प्रशिक्षित कर रहा है आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तो और आपको ये चीज पता है जब आपको पता चली तो चाहते या ना चाहते हुए भी आप अपने लोगों को कोशिश करोगे और ज्यादा प्रशिक्षित करने की जिससे कि आपका और आपके प्रतिद्वंदी का जब आमना सामना हो तो आप कम नार हो इसके अलावा बहुत सारी और चीजें भी हैं जैसे जिस तरीके से आपका जो इमीडिएट इमीडिएट प्रतिद्वंदी जो होता है वो किस तरीके का सैलरी स्ट्रक्चर दे रहा है कैसा वेतन दे रहा है कैसी पॉलिसीज़ बना रहा है लोगों को लेकर किस तरीके से कॉम्पेंसेशन दे रहा है ये सब आपके स्टाफिंग फंक्शन पर प्रभाव डालेंगी क्योंकि आपका एम्प्लॉय उसको भी सब पता है वो भी ये देख पा रहा है कि आप ही का प्रतिद्वंदी उसी काम के उसको या किसी और को ज़्यादा वेतन देता है तो वो चाहेगा कि आप अगर चाहते हैं कि वो इंसान आपकी कंपनी के साथ रहे तो आपको भी वेतन बढ़ाना पड़ेगा अब आप चाहे ना चाहे आपको वेतन बढ़ाना पड़ेगा अगर अगर आप चाहते हैं उस इंसान को अपनी ही कंपनी में रखना तो यह हुआ बाहरी कारक यानी कि कॉम्पिटिटर्स यानी कि प्रतिद्वंदी जिन्होंने आपके ऊपर आपकी स्टाफिंग फंक्शन पर इंपैक्ट डाला है इसके अलावा अगर हम बाहरी कारक की बात करें तो यानी कि गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन जैसा कि अभी कुछ समय पहले सेवेंथ पे कमीशन आया गवर्नमेंट के द्वारा जब सेवेंथ पे कमीशन आया तो चाहते ना चाहते हुए भी ज्यादातर संस्थाओं को सेवेंथ पे कमीशन के हिसाब से ही सैलरी देनी पड़ी चाहे वो मुखिया नहीं चाहता था बढ़ाना सैलरी लेकिन क्यों क्योंकि गवर्नमेंट का रेगुलेशन है रूल है तो इसलिए उनको भी वही कार्य करना पड़ा अब जैसे जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन की ही तो बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है लेकिन फिर भी कहा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भी भर्ती होनी चाहिए हर कंपनी में तो ये क्या है ये गवर्नमेंट का रूल है अब उस रूल के तहत कंपनी का स्टाफिंग फंक्शन चलेगा चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो चाहे वो किसी रूल से रिलेटेड हो कुछ भी हो या कॉम्पेंसेशन से हो तो ये होता जैसे आप जानते होंगे ग्रेटिटी एक्ट होता है जो गवर्नमेंट लेकर आई है कॉम्पेंसेशन एक्ट होता है तो ये सारे एक्ट के तहत ही हम अपने कर्मचारियों को वेतन या जो भी चीज़ है वो मुहैया कराते हैं तो ये हुआ कि कैसे सरकारी नियम आपकी संस्था के स्टाफिंग फंक्शन को इम्पैक्ट करते हैं इसके अलावा एक और बाहरी कारक है जो कि सन ऑफ सॉइल्स यानी कि मिट्टी के पुत्र अभी यह प्रथा इतनी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी इस पर कार्य होता है इसका मतलब यह है कि आपकी संस्था जिस एरिया में है जिस रीजन में है वो वहीं के लोगों को कर्मचारी के रूप में रख सकती है बाहर से आने वाले लोग उस, उस संगठन में कर्मचारी पद पर नहीं आ सकते इसका मानना यह है कि अगर कोई संस्था हमारी मिट्टी पर बनी है मतलब मेरे क्षेत्र में बनी है तो मैं ही अधिकार रखता हूं उस पर नौकरी पाने का तो ये कई जगह प्रचलित है पुराने जमाने में तो बहुत ज्यादा प्रचलित थी अब क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन इन सब की बातें करते हैं तो अब ये इतनी प्रचलित नहीं है लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर ये चीज़ यानी कि मिट्टी के पुत्र ही उस संस्था में काम करेंगे उस क्षेत्र की संस्था में काम करेंगे यह अभी भी इम्पैक्ट करता है किसी भी कंपनी की स्टाफिंग फंक्शन को संस्था चाहे कि वो बाहर से कहीं और से कर्मचारियों को लेना चाहती हो लेकिन फिर भी वह नहीं ले पा रही क्योंकि बाहरी कारक यानी कि मिट्टी के पुत्र सन्स ऑफ सॉइल फैक्टर इम्पैक्ट करता है उन्हें प्रभाव डालता है तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ आंतरिक कारकों की यानी कि इंटरनल फैक्टर्स की जब हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो यह संस्था के अंदर ही पाए जाते हैं जिसकी वजह से स्टाफिंग फंक्शन पर प्रभाव पड़ता है तो पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल इमेज आप सोच के देखिए अगर कोई संस्था की छवि बहुत अच्छी है आम जनता के आगे तो जब भी उस संस्था में कोई वेकेंसी कोई रिक्त पद निकलेगा तो हजारों लाखों लोग अप्लाई करेंगे तो ये कैसे हुआ क्योंकि उस संस्था की छवि अच्छी थी वहीं इसी के विपरीत कोई ऐसी संस्था है जिसने कोई गबन किया है या उसकी इमेज अच्छी नहीं है या वो प्रॉफिट अच्छा नहीं कर रहा जिसकी वजह से उसकी इमेज खराब हो गई है तो उसमें जब भी कोई रिक्त पद निकलेगा तो शायद बहुत कम लोग अप्लाई करें तो अब आप कहेंगे इसमें स्टाफिंग फंक्शन कैसे स्टाफिंग फंक्शन ऐसे कि भाई आपके पास कम एप्लीकेशंस आई ये किसकी वजह से हुआ आपका स्टाफिंग फंक्शन आप तो चाहते थे हजार एप्लीकेशन आए लेकिन क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की छवि आपकी संगठन की छवि अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से आपका स्टाफिंग फंक्शन यानी कि रिक्रूटमेंट फंक्शन प्रभावित हुआ इसके अलावा संगठन का आकार यानी कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आपके स्टाफिंग फंक्शन को प्रभावित करता है कैसे करता है मैं उदाहरण से समझाती हूं अगर आपकी संस्था का साइज यानी कि आकार काफी बड़ा है जिसमें पचास हजार साठ हजार लोग काम करते हैं अलग अलग जगहों पर काम करते हैं तो आप देखेंगे वहां की पॉलिसीज में बहुत क्लैरिटी होगी स्पष्टता होगी हर जगह हर एक के लिए वो स्पष्ट होंगी लेकिन वहीं पर कोई छोटी संस्था है तो उनका चीजें अपने हिसाब से बदल जाती हैं इसके अलावा एक और कारक पर मैं बात करना चाहूंगी जो वो होता है संगठनात्मक व्यवसाय योजना यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस प्लान अगर आपकी संगठन आपकी संस्था का उद्देश्य एक्सपेंशन है बढ़ना है तो आप कुछ और लोग चाहिए होंगे या आप लोगों को निकालोगे अपनी संगठन से आपको और लोग चाहिए होंगे तो आप रिक्रूटमेंट करोगे सिलेक्शन करोगे लेकिन वहीं पर आपका आपकी कंपनी का बिजनेस प्लान है कोई अपने ही एरिया के चीज़ों में डाइवर्सिफाई करने का पहले आप टेक्सटाइल बिजनेस में थे अब आप केमिकल इंडस्ट्री में हो और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाहते हो तो आप अलग तरीके के लोगों को रिक्रूट करोगे अलग स्किल्स अलग एबिलिटीज वाले लोगों को रिक्रूट करोगे क्योंकि अब जो स्किल्स चाहिए वह आपके पुराने व्यवसाय के हिसाब से नहीं है वह आपके नए व्यवसाय के हिसाब से है और ऐसे ही अगर आपकी कंपनी डिक्लाइनिंग स्टेज में है एक्सपेंशन में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को निकालना पड़ेगा तो देखिए आपकी कंपनी का आपके संगठन का क्या प्लान है उस प्लान के हिसाब से आपका स्टाफिंग फंक्शन इंपैक्ट होगा प्रभावित होगा तो यह थे स्टाफिंग के कारक जिनसे हमें पता चलता है कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे स्टाफिंग फंक्शन को प्रभावित करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग जब हम एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है मैन पार प्लानिंग यानी कि जन शक्ति नियोजन ये सोचना कि आपको कितने लोग चाहिए और किस तरीके के लोग चाहिए यह होता है जनशक्ति योजना या नियोजन कि आपको कितने लोग चाहिए यानी कि नंबर ऑफ पीपल यू रिक्वायर और किस तरीके के लोग चाहिए वट स्किल्स यू वॉन्ट तो दो तरीके की बातें आती हैं मैन पावर प्लानिंग में जिसमें आपको ये स्पष्ट रूप से समझ आता है कि आपको कितने लोग चाहिए और किस तरीके के लोग चाहिए क्या वो लोग आपको बाहर से लेने पड़ेंगे या आपकी कंपनी में मौजूद हैं या आपको अपनी कंपनी के लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा और कोई अधीनस्थ स्तर की पद के लिए आपको लोगों को लेना होगा तो ये होता है मैन पावर प्लानिंग जिसमें हम डिमांड और सप्लाई देखते हैं कि हमारी खुद की हमारे एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हमारे संगठन को कितने लोगों की ज़रूरत है क्या डिमांड है और हमें सप्लाई कहाँ से मिलेगी हमें वो लोग अपनी ही संगठन से मिल जाएंगे या हमें बाहर जाके देखना पड़ेगा बाहर बिजनेस एनवायरमेंट में देखना पड़ेगा और खोजना पड़ेगा उन लोगों को तो ये होता है मैन पावर प्लानिंग जब आपने एक मैन प्लानिंग यानी कि जनशक्ति नियोजन या योजना बना ली कि आपको कितने लोग चाहिए और कैसे लोग चाहिए तो उसके बाद जो आपको करना होता है वह होता है कार्य विश्लेषण कार्य विश्लेषण स्टाफिंग का एक अलग फंक्शन है एक अलग एलिमेंट है एक अलग तत्व है कार्य विश्लेषण में एक स्टाफिंग मैनेजर स्टाफिंग प्रबंधक यह देखता है कि एक नौकरी पर क्या क्या कार्य करने हैं और उस नौकरी को करने के लिए क्या क्या विशेषताएं किसी इंसान में होनी चाहिए तो जॉब एनालिसिस यानी कि कार्य विश्लेषण मानवीय आवश्यकताओं के साथ साथ जिस संदर्भ में कार्य किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है कार्य विश्लेषण को दो भागों में विभाजित किया गया है नौकरी विवरण नौकरी विवरण यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन और नौकरी विशिष्टता यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन स्टाफिंग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि पहले तो आपको ये पता हो कि जिस पद की आप बात कर रहे हैं उस पद पर रहते हुए कार्य करने क्या क्या हैं क्या ड्यूटीज हैं आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी तो अगर आपको यह क्लियर है कि आपकी ड्यूटी क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तो वह इंसान ज्यादा अच्छे तरीके से ज्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से दक्षतापूर्वक वो कार्यों को कर पाएगा तो इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है यानी कि नौकरी विवरण या पद विवरण वह हमें यह बताता है कि उस नौकरी पर रहते हुए किसी इंसान को कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे इसके साथ साथ कार्य विश्लेषण एक और चीज को भी बनाता है वह होता है नौकरी विशिष्टता यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है यह जान पाना कि उस नौकरी जिस नौकरी की हम बात कर रहे हैं उस नौकरी को करने के लिए कैसी एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशन कितना एक्सपीरियंस कौन सी एबिलिटीज कौन से स्किल्स किसी इंसान को चाहिए कि वो इंसान उस कार्य को अच्छे से कर पाए जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कि कोई नौकरी है एचआर मैनेजर की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन्स हमें चाहिए होंगी हमें चाहिए शायद मेरे संगठन को चाहिए कि एम होना चाहिए वो प्रबंधन की डिग्री होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही इसके अलावा उसके पास टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन की डिग्रीज होनी चाहिए इसके अलावा उसे तीन साल का किसी अच्छी कंपनी में एक्सपीरियंस होना चाहिए तो इस तरीके से हम बनाते हैं नौकरी विशिष्टता यानी कि जॉब स्पेसिफ़िकेशन कि क्या क्या चीज़ें जरूरत है उस इंसान को वो कार्य करने के लिए तो ये होता है कार्य विश्लेषण इसके आगे बढ़ते हैं और एक अलग एलिमेंट की बात करते हैं जिसका नाम होता है भर्ती या चयन भर्ती होती है रिक्रूटमेंट किसी संगठन में रिक्त पदों को भरने के लिए संभावित संसाधनों को खोजने और आकर्षित करने की एक प्रक्रिया है यानी कि रिक्रूटमेंट एक प्रक्रिया है जिससे आप एक अच्छे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ यानी कि आकर्षित करते हैं कि वो आपकी संगठन में जो पद निकला है उस पद पर अपनी एप्लीकेशन भेजें अपना रिज्यूमे अपना सीवी भेजें यह होता है भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट को ही सिलेक्शन भी कह देते हैं यानी कि चयन भी कह देते हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं ये दोनों एक प्रक्रिया नहीं है भर्ती का मतलब यानी कि रिक्रूटमेंट का मतलब ज्यादातर यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं जिस नौकरी की पोजीशन जिस नौकरी के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट दिया है इसके विपरीत चयन जो होता है यानी कि सिलेक्शन वह होता है जिसमें हम जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से सबसे अच्छा सबसे बढ़िया सबसे दक्ष सबसे प्रभावपूर्ण व्यक्ति को कंपनी में ला पाना तो चयन किसी संगठन में रिक्तियों को भरने के लिए आवेदकों की पहचान करने और उन्हें काम पर रखने की एक प्रक्रिया है कर्मचारी चयन व्यक्तियों के कौशल और योग्यता के साथ संगठन की आवश्यकताओं के मिलान की एक प्रक्रिया है तो शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन अलग अलग बातें हैं रिक्रूटमेंट में तो सिर्फ हमारे पास आवेदन आएंगे सिलेक्शन में जो आवेदन हमारी चीज़ों को या हमारी जो हम हमने जो हमारे संगठन ने एक पोजीशन निकाली है एक नौकरी निकाली है उस नौकरी की योग्यताओं को पूरा करेगा उस प्रक्रिया को हम कहते हैं चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस इसके अलावा जो अलग एक और एलिमेंट होता है तत्व होता है स्टाफिंग का वह होता है प्रशिक्षण और विकास यानी कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये आजकल तो संस्था भी प्रशिक्षण को कॉस्ट सेंटर ना मानते हुए इन्वेस्टमेंट सेंटर मानती है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अपने कर्मचारियों पर इन्वेस्ट करेगी प्रशिक्षण देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो प्रशिक्षित कर्मचारी उनकी कंपनी अपनी कंपनी को आगे लेके जाएंगे तो इसलिए प्रशिक्षण और विकास आज की डेट में बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण चीज है प्रशिक्षण और विकास विशिष्ट कार्यों को बेहतर ढंग से करने के बारे में जानकारी और निर्देश प्रदान करते हुए कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए बनाई गई कंपनी के भीतर शैक्षिक गतिविधियों को संदर्भित करता है यानी कि हमें यह बताता है कि कौन से स्किल्स कौन सी एबिलिटीज हमारे कर्मचारियों के पास नहीं है जो नहीं है उनको हम प्रशिक्षित करें और इतना सक्षम बना पाए कि वो हमारी कंपनी में अच्छा कार्य प्रभावपूर्ण तरीके से कर पाए इसके आगे और भी कुछ तत्व हैं जैसे कि मुआवजा यानी कि कॉम्पेंसेशन कॉम्पेंसेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है कॉम्प्लेक्स क्यों है क्योंकि कॉम्पेंसेशन सिर्फ और सिर्फ वेतन देना नहीं है कॉम्पेंसेशन वेतन के अलावा और हम क्या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे सकते हैं अपने कर्मचारियों को हम और कौन सी वेलफेयर चीजें वेलफेयर पॉलिसीज ला सकते हैं अपने कर्मचारियों के लिए कभी उन्हें किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है तो क्या मुआवजा दे सकते हैं इन सब पे बात करता है तो कॉम्पेंसेशन अपने आप में लोग इसको मुआवजा ही सिर्फ मानते हैं लेकिन कॉम्पेंसेशन अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसमें आप जैसे नाम सुनेंगे सैलरी फ्रिंज बेनिफिट्स वेरिएबल पे बेसिक पे ये सब शामिल हैं इसके अलावा जब हम तत्वों की बात करते हैं तो एक होता है प्रदर्शन मूल्यांकन ये बहुत ही जरूरी होता है आप कहेंगे कि मैं हर चीज को हर तत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण बता रही हूँ क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है प्रदर्शन मूल्यांकन आप सोच के देखिए अपने आप को रख कर देखिए किसी एम्प्लॉय या कर्मचारी की जगह पर अगर आपको कोई परफॉर्मेंस अप्रेज ही ना करें आपका मूल्यांकन ही ना करें कि आप किस तरीके का कार्य करते हैं तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बिना इसके भी अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे या अच्छा कार्य करेंगे क्योंकि ज्यादातर हम कार्य क्यों करते हैं जब वो कार्य मूल्यांकन के तौर पर सामने आता है तभी हम कोशिश करते हैं उसको अच्छा करने की तो परफॉर्मेंस अप्रेजल भी बहुत जरूरी है और परफॉर्मेंस अप्रेजल सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हम एम्प्लॉइज को सही सैलरी दे पाएं इसके साथ साथ इसलिए भी जरूरी है कि हम यह जान पाएं कि हमारा कर्मचारी कहां पर पीछे हो रहा है हम उसे कौन सा प्रशिक्षण दे सकते हैं इसमें भी वो हमारी मदद करते हैं इसके अलावा जिस पर मैं बात करूंगी एक और तत्व है करियर डेवलपमेंट प्लान यानी कि करियर की विकास योजना हाँ ये कहने को तो आप कहेंगे कि यह एक व्यक्तिगत रणनीति होती है पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी है लेकिन आजकल संगठन ने आजकल ज़्यादातर सब संगठनों ने इसका दायित्व उठाया हुआ है और वह अपने कर्मचारी के लिए एक अच्छा करियर प्लान बना के देते हैं एक अच्छा करियर प्लान जब किसी कर्मचारी के सामने होता है तो उसे इस चीज की खुशी होती है कि वह आगे कैसे विकास करेगा जब उसे दिख रहा है कि वह इस तरीके से विकास करेगा तो वह बहुत मोटिवेट होता है तो आजकल जो ये दायित्व संगठन ने उठा लिया है वह कहीं ना कहीं स्टाफिंग फंक्शन को और ज्यादा प्रगतिशील बना रहा है तो यह सब तो अलग अलग तत्व थे स्टाफिंग फंक्शन के मैं आशा करती हूं कि यह सब तत्व आपको अच्छे से समझ आए होंगे अब मैं बात करूंगी जल्दी से स्टाफिंग के प्रोसेस की कि क्या प्रोसेस है क्या प्रक्रिया होती है तो देखिए किसी भी कंपनी में किसी भी संगठन में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कितने लोगों की जरूरत है किस प्रकार के लोगों की जरूरत है जब आपको आपकी योजना बन गई आपकी प्लानिंग हो गई कि आपको ये कार्य करने हैं आपने स्ट्रक्चर बना लिया संरचना बना ली आपने ऑर्गेनाइज कर लिया चीज़ों को अब सवाल आता है कि आपको चाहिए कितने लोग वो कार्य करवाने के लिए किस तरीके के लोग चाहिए तो स्टाफिंग की प्रक्रिया में सबसे पहली चीज़ सबसे स्टेप होता है जनशक्ति का अनुमान लगाना यानी कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कि कितने लोग हमको चाहिए होंगे जब आपको यह समझ आ गया कि आपको कितने लोग चाहिए और कैसे लोग चाहिए तो उसी के बेसिस पर आप आगे बढ़ते हैं और आप करते हैं कार्य विश्लेषण यानी कि जॉब एनालिसिस यानी कि अब आप बनाते हैं नौकरी विवरण और नौकरी विशिष्टता जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन जिस पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि एक इंसान जिसको आपने एस्टिमेट किया है कि मुझे ये लोग चाहिए तो उसमें से उस इंसान को उस नौकरी पर रहते हुए क्या क्या काम करने पड़ेंगे और उस काम को करने के लिए उसको कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए यह होता है कार्य विश्लेषण जब आपने कार्य विश्लेषण कर लिया तब आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भर्ती और चयन की भर्ती में आप आवेदकों को बुलाते हैं आकर्षित करते हैं जिससे कि आपके पास अच्छे आवेदन आए ज्यादा आवेदन आना आपका मकसद नहीं होता आपका मकसद होता है अच्छे आवेदन आए और उन अच्छे आवेदन पत्रों में से आप अपनी सूझबूझ से उन लोगों को आगे लेकर जाएं, उन लोगों का चयन करें जो उस नौकरी के लिए बिल्कुल सही हैं जब आपने ये भी कर लिया आपने कुछ लोग सिलेक्ट भी कर लिए कुछ लोगों का चयन भी कर लिया तो चयनित लोगों को आप आगे लेके जाते हैं और फिर आप उनका करते हैं प्लेसमेंट और अभी विन्यास, यानी कि प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब है जैसे मान के चलिए आपकी कंपनी के दो अलग अलग प्लांट हैं एक प्लांट है किसी शहर में एक प्लांट है किसी और शहर में आपने चयन किया है आपने लोगों को सिलेक्ट किया है चार लोगों को सिलेक्ट किया है दोनों ही जगहों के लिए क्योंकि आपको दो चाहिए थे आगरा के लिए दो चाहिए थे अलीगढ़ के लिए अब कौन से दो उन चारों में से कौन से दो को आप आगरा भेजना चाहेंगे और कौन से दो को आप अलीगढ़ भेजना चाहेंगे इसको कहते हैं प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉज कि कहाँ अब उनको आप रखेंगे तो देखिए सोच के देखिए अगर उन चारों में से एक इंसान एक कर्मचारी आगरा का ही रहने वाला है तो क्या ये सही होगा कि उस आगरा वाले व्यक्ति को मैं अलीगढ़ भेजू <coughs> या ये ज्यादा सही रहेगा कि उसको तो वहीं रखा जाए लेकिन जो बाकी कहीं और से आ रहे हैं तो उनका सोचा जाए तो देखिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए जगह का बेसिस है या कोई और आपका बेसिस है उस हिसाब से आप प्लेस करिए अपने चयनित लोगों को फिर उनका ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास करिए उन्हें बताइए कि आपकी कंपनी क्या है उनको कंफर्टेबल फील कराइए नई संस्था में उन्हें बताइए यहाँ की क्या पॉलिसी है उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन और फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अगर आपको लगता है कि आपके चयनित लोगों को कुछ प्रशिक्षण की जरूरत है तो उनको प्रशिक्षित कीजिए प्रशिक्षित के बाद हम बात करते हैं जब वो कार्य पर लग गए तो उनके अप्रेजल की यानी कि मूल्यांकन की, की देखिए जो आपने चयन किया है जिन लोगों का तो क्या वह चयन आपका सही था क्या वह सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्या उनका कार्य सही जा रहा है इसके अलावा फिर हम जब बात करते हैं तो जब वो अच्छा कार्य करते हैं तो उनको प्रमोशन उनके लिए प्लानिंग ये सब आप एक स्टाफिंग मैनेजर द्वारा किया जाता है फिर उसके अलावा हम एक और जो बात करते हैं आखिरी में स्टाफिंग प्रोसेस में वो होता है कॉम्पेंसेशन यानी कि वेतन मुआवजा सैलरी वेज इसको अलग अलग तरीके से जाना जाता है मॉनेटरी बेनिफिट्स नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रिंज बेनिफिट्स तो ये पूरा होता है स्टाफिंग प्रोसेस यानी कि स्टाफिंग की प्रक्रिया तो चलिए अब हम आगे जिस पर बात करने वाले हैं वह है सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन करने की क्रिया जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो उससे पहले आपने क्या किया होगा रिक्रूटमेंट आपने आवेदन पत्र को आकर्षित किया होगा अब आपके पास बहुत सारे मान के चलते हैं चलिए उदाहरण के तौर पर आपको जो चयन करना है जो सिलेक्शन करना है आपके पास दो रिक्त स्थान हैं जिसको जिसके लिए आपने चयन प्रोसेस स्टार्ट किया है चयन की प्रक्रिया आप कर रहे हैं अब आपने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला जिसमें आपने उस जॉब के बारे में बताया यानी कि कार्य विश्लेषण लिखा जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन अब उसको पढ़ने के बाद करीब सौ लोगों ने आपके पास आपकी संस्था के पास अपने आवेदन पत्र भेजे अब उन आवेदन पत्रों में कुछ आवेदन पत्र सही नहीं थे या तो उनका एक्सपीरियंस पूरा नहीं था आपको पांच साल वाले एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए थे कुछ चार साल वालों ने अप्लाई कर दिया आपको सिर्फ और सिर्फ एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चाहिए था प्रबंधक की डिग्री ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चाहिए थी कुछ लोग बी पढ़े हुए थे उन्होंने भी अप्लाई कर दिया तो प्रारंभिक स्क्रीनिंग आप करते हैं एक जिसमें आपने देखा कि करीब सौ में से दस एप्लीकेशन आपके नियम को पूर पूरा नहीं कर रही थी तो आपने इनको पहले ही हटा दिया अब आपके पास कितनी एप्लीकेशन बची कितने आवेदन पत्र बचे नब्बे अब 90 आवेदन पत्रों से आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं ये दो तरीके का हो सकता है एक तो बड़ा ही सिंपल सा जिसमें सिर्फ आप उन आवेदकों की पर्सनल डिटेल्स लेना चाहते हैं उनका नाम उनका जेंडर उनका नेशनैलिटी उनका कहाँ के रहने वाले हैं एड्रेस डेट ऑफ बर्थ बस या फिर कुछ होते हैं जो दो तीन पन्नों के हो सकते हैं जिसमें आप उनकी स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस उनकी हॉबीज उनके और एक्सपीरियंसेस के बारे में डिटेल भरवाते हैं इस वाली स्टेज पर कोई भी आवेदक को रिजेक्ट नहीं किया जाता है तो अभी आपके पास नब्बे आवेदन पत्र थे दूसरी स्टेज पे यही नब्बे आवेदन पत्र आगे जाएंगे तीसरी स्टेज पे जो कि होती है रोजगार प्रशिक्षण रोजगार परीक्षण रोजगार परीक्षण का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट अब यह आपकी और आप के पदों पर जो आपकी संस्था ने निकाले हैं उस पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके के कैसे परीक्षण लेना चाहते हैं किस तरीके के टेस्ट लेना चाहते हैं आप सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट लेना चाहते हैं या पर्सनालिटी टेस्ट लेना चाहते हैं आप कैसा टेस्ट लेना चाहते हैं तो यह आपको सोचना है बहुत सारी संस्था एक कॉम्बिनेशन तीन चार अलग अलग परीक्षणों का इस्तेमाल करती है कुछ संस्था सिर्फ एक परीक्षण इस्तेमाल करती है यह निर्भर करता है बिल्कुल उस पर जो कि पद है कि उस पद के लिए हमें किस तरीके के परीक्षण करने की आवश्यकता है अब मान के चलिए नब्बे में से करीब 50 लोग वो परीक्षण पास नहीं कर पाए तो आगे बढ़ेंगे 40 लोग हमने 50 लोगों को वहां पे निकाल दिया हम 40 लोगों को साक्षात्कार के लिए नहीं लेके जाएंगे और अगली स्टेज होती है रोजगार साक्षात्कार यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू अब 40 लोगों ने इंटरव्यू दिया और उन 40 में से आपने रिजेक्ट कर दिया करीब तीस लोगों को अब आपके पास दस एप्लीकेशन है या मान के चलिए आपने करीब पैंतीस लोगों को निकाल दिया क्योंकि आपके पास सिर्फ दो ही रिक्स स्थान है आपके पास पांच एप्लीकेशन अभी भी हैं उस टॉप फाइव में आप पृष्ठभूमि जांच करेंगे यानी कि बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन हो सकता है अब बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन यानी कि पृष्ठभूमि जांच का मतलब है कि आप ये देखेंगे कि उसने कहाँ से पढ़ाई करी है क्या वो पढ़ाई सही है कि नहीं अगर वो पहले कहीं कार्यरत था तो कैसा उसका व्यवहार था उस इंसान का तो आप जो उसके पूर्व आ, संस्था होगी वहां बात करेंगे ये होती है पृष्ठभूमि जांच बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन अब इन पांच लोगों में से आपको ये पता चला कि एक इंसान की डिग्री सही नहीं थी या उसका व्यवहार अच्छा नहीं था अपने पूर्व संस्था में तो आपने उसको हटा दिया अब चार लोगों को आपने भेजा चिकित्सा स्वास्थ्य जांच के लिए जो कि होता है मेडिकल चेकअप या फिजिकल चेकअप जो संस्था करवाती है आजकल संस्था ने क्या किया हुआ है कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ टाइप करते हैं वो और आवेदकों को वो डायरेक्टली बोलते हैं कि आप वहां जाकर अपनी जांच करा कर आए और उनकी जो रिपोर्ट होती है वो डायरेक्टली आती है संस्था में तो अब आपके पास चार लोग हैं अभी भी लेकिन आपके पास रिक्त स्थान कितने थे दो तो कुछ कंपनी देखिए इसमें दो चीजें हैं कुछ कंपनी क्या करती है कि जब रोजगार साक्षात्कार यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के वक्त आपने पांच लोगों को सिलेक्ट किया था तो आपने सिर्फ टॉप टू को ही आगे की स्टेज पर बढ़ाया यानि कि दो लोगों का ही पृष्ठभूमि जांच किया अगर वो दो लोग सही रहे तो आगे उनको आपने मेडिकल जांच के लिए भेजा वहां पर भी वो सही रहे तो आप प्रस्ताव पत्र उन्हें देंगे यानी कि ऑफर लेटर देंगे लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी करते हैं कि उन्होंने कि कोई देर ना हो इसलिए उन्होंने पांच लोग या चार लोग चयन किए और उनको उन्होंने पृष्ठभूमि जांच भी कर ली और चिकित्सा स्वास्थ्य जांच भी कर ली वो डिपेंड करता है और लेकिन ऑफर लेटर फिर मिलेगा दो लोगों को प्रस्ताव पत्र प्रस्ताव पत्र सिर्फ एक ऑफर है एक प्रस्ताव है संगठन की तरफ से कि आप आइए और हमारी कंपनी को ज्वाइन करिए हमारी संस्था का हिस्सा बनिए इसमें बहुत ज्यादा डिटेल कुछ नहीं होता है उसमें आपका सैलरी लिखा होता है बस और आपका पद लिखा होगा अब जब आवेदक इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं जब आवेदक इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और कंपनी में इंफॉर्मेशन देते हैं कि उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर किया तब उनको मिलता है नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर अपॉइंटमेंट लेटर एक डिटेल लेटर होता है नियुक्ति पत्र में काफी डिटेल में सारी चीजें लिखी होती हैं कि आपको किस तरीके का कार्य करना है क्या सैलरी रहेगी क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशंस हैं ये काफी डिटेल में होता है और जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र मिल गया तो इसका मतलब होता है कि आप अब संगठन का हिस्सा हैं अब आप संगठन के साथ हैं और यहां आकर आपका सिलेक्शन यानी कि चयन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सफल होती है कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आप लोगों ने दो लोगों को प्रस्ताव पत्र दिया लेकिन दो में से एक ने नहीं एक्सेप्ट किया तो आपके पास जो उसके बाद की लिस्ट के कुछ अच्छे लोग होंगे आप उनको प्रस्ताव भेजेंगे प्रस्ताव पत्र एक्सेप्ट करने के बाद ही आप नियुक्ति पत्र देते हैं तो ये तो था एक सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया अब एक छोटी सी चीज पर मैं और थोड़ा सा आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगी वो है रोजगार साक्षात्कार यह अलग अलग प्रकार के भी होते हैं कुछ रोजगार साक्षात्कार होते हैं जिसमें हर एक आवेदक से जो भी उस साक्षात्कार में जाएगा उससे वही सवाल पूछे जाएंगे जो किसी और आवेदक से पूछे जाएंगे यानी कि नंबर टाइप एंड सीक्वेंस कितने सवाल होंगे किस तरीके के सवाल होंगे और उन सवालों का क्रम क्या होगा यानी कि नंबर टाइप एंड सीक्वेंस क्वेश्चन वो उन सवालों का सबके लिए समान रहता है हर आवेदक के लिए अगर आप इस तरीके का साक्षात्कार कर लेते हैं जिसको हम डायरेक्टिव इंटरव्यू भी कहते हैं जिसमें हर चीज पहले से तय होती है कि हमें यही सवाल पूछने हैं इसी ऑर्डर में इसी क्रम में पूछने हैं इसी तरीके के पूछने हैं इतने ही नंबर पूछने हैं तो ये होता है डायरेक्टिव इंटरव्यू इसके अलावा एक होता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू जिसमें इंटरव्यूअर कोई भी सवाल पूछ सकता है जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होंगे उसी के आसपास उसी के इर्द गिर्द होंगे लेकिन इसमें कोई क्रम पहले से निश्चित नहीं होता कौन से सवाल पूछे जाएंगे किससे यह निश्चित नहीं होता आपको लगता है कि आपको आवेदक से उसके एजुकेशन के बारे में पूछना है तो आप उससे एजुकेशन के बारे में पूछते हैं आपको लगता है किसी और आवेदक से आपको उसके पूर्व संस्था के बारे में पूछना है तो आप उससे वो पूछते हैं आपको लगता है कि उस आपको उसकी कोई इंटर्नशिप कोई प्रशिक्षण के बारे में जानना है तो आप उससे वो पूछते हैं इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू या फिर नॉन डायरेक्टिव साक्षात्कार जिसमें कोई संख्या कोई क्रम नहीं तय होता पहले से एक होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको हम मिक्स्ड इंटरव्यू भी कहते हैं तो इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के इंटरव्यूज भी होते हैं या साक्षात्कार भी होते हैं तो यह आपके ऊपर है कि आपको आपकी संस्था को आपके संस्था के पद के हिसाब से कौन सा साक्षात्कार लेना चाहिए तो यह आपके ऊपर है तो यह था सिलेक्शन का प्रोसेस चयन की प्रक्रिया तो प्रिय विद्यार्थियों इस सत्र में हमने जिस पर बात करी है वह था स्टाफिंग का अर्थ हमने समझा और इसकी मूल प्रकृति क्या है इसके अलावा हमने बात किया कि किस तरीके से स्टाफिंग फंक्शन किसी भी संगठन के कार्यों को प्रभावित करता है और क्या कारक हैं जिससे स्टाफिंग फंक्शन स्टाफिंग कार्य खुद प्रभावित होता है इसके अलावा हमने विभिन्न तत्व भी पढ़े स्टाफिंग फंक्शन के और हमने यह भी सीखा कि किस तरीके से स्टाफिंग की प्रक्रिया होती है और कैसे एक संगठन चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है मैं आशा करती हूं कि आप सबको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों